हर रोज कुछ तो नया देखेगा ही तू, फिर लगेगा कि बहुत कुछ सीख लिया। सीखने से क्या हो जाएगा तेरी जिंदगी में, बहुत ज्ञान है तेरे पास, पर क्या करेगा उस ज्ञान का जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उससे कुछ आउटपुट लेकर नहीं आएगा। तो ये ज्ञान नामक कचरा अपने दिमाग में भर के काहे बोझ उठो रहा है। अबे अपने टाइम का सही उपयोग करेगा तभी तो तुझे सही रिजल्ट मिलेगा। कब तक बैठकर बर्बाद करेगा इसे, माँ बाप की रोटियाँ कब तक तोड़ेगा, अपने पैर पर खड़ा होकर कुछ करने का इच्छा नहीं है तुझे। अरे इच्छा है अगर दिल में, उस पर काम करो, सोच कर क्या कर लेगा तू। बैठ कर सोचते रहता है, अच्छा कल से, अच्छा कल से नहीं तो आज से ही, लेकिन थोड़ी देर बाद से कर, कब करेगा। अरे अभी से कर ले मेरे भाई, अभी इसी मोमेंट इसी वक्त से कर ले, जो कर सकता है वही कर ले। कुछ तो कर सकता है, जो करना चाहता है उसका एक सीढ़ी भी तो चढ़ सकता है। बैठ कर फोन में स्क्रॉल करते रह जाएगा, कुछ नया देख लेगा, कुछ हर रोज कुछ तो नया देखेगा ही तू, फिर लगेगा कि बहुत कुछ सीख लिया। सीखने से क्या हो जाएगा तेरी जिंदगी में, बहुत ज्ञान है तेरे पास, पर क्या करेगा उस ज्ञान का जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उससे कुछ आउटपुट लेकर नहीं आएगा। तो ये ज्ञान नामक कचरा अपने दिमाग में भर के काहे बोझ उठो रहा है। क्या होगा इससे तेरी जिंदगी में, होगा कुछ तो कर मेरे दोस्त। जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान है लेकिन उससे वो बहुत कुछ कर ले रहा है, थोड़ा ही है लेकिन उस थोड़े से वो बहुत कुछ आउटपुट ले ले रहा है, क्योंकि उस पर एक्ट कर रहा है वो। और तेरे पास बहुत कुछ है लेकिन तू उसका 1% भी यूज नहीं कर रहा। बहुत ज्ञान है तेरे पास, अपने व्यवहार में सौम्यता लाना चाहिए। बहुत कुछ जानता है तू, बहुत नई नई बातें सीख रहा है, लेकिन जब तुम्हारा सिचुएशन आता है, खुद पे वो बातें आती है, तो हीरो बन जाता है वही अपना। ऐसे नहीं चलता यार, कुछ सीख लेने या कुछ चीज़ का ज्ञान रख लेने से जिंदगी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आने वाला है। मेजरेबल चेंज तो बहुत दूर की बात, थोड़ा सा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तू थोड़ा भी एक्ट करता है, अपने ज्ञान का 1% भी यूज करता है, तो तुम्हारी जिंदगी में 100% बदलाव आ जाएगा। इसलिए अपनी जो भी नॉलेज है उसका थोड़ा सा ही सही पर उपयोग कर मेरे भाई। बैठ कर फोन में कुछ स्क्रॉल करके, कुछ नया सुन के कुछ नहीं बदलेगा तेरी जिंदगी में। आज 5-10 साल से सुनते आ रहा है, क्या कर लिया, क्या नोच लिया तू, उखाड़ लिया कुछ नहीं ना। पर अगर अभी 5 सेकेंड या 5 मिनट बाद ही तुम अगर कुछ करता है, थोड़ा सा भी कुछ करता है, तो जरूर अपने सपने की तरफ तू एक कदम ही सही लेकिन बढ़ जाएगा। तू कर, जितना ही नॉलेज है उससे कर, जो ही चीज़ तेरे पास है उसी का उपयोग कर, लेकिन कुछ कर। यूं बैठ कर सोचने से, अपने ख्याली पुलाव पकाने से तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, पेट नहीं भर जाएगा। खाना ही है पुलाव तो तुम्हें पकाना पड़ेगा सचमुच में। तू देख ले अपना, मैं तुझे कुछ नहीं कहने वाला, मैं थोड़ी बताने आऊँगा। कल को तू भूखा मरेगा तो मैं थोड़ी देने आऊँगा तुमको कि ले खा ले, मर तू। तू अपने हाथों से अपने कर्म किस्मत जो लिख रहा है, भगवान थोड़ी ना बेला बैठा है। लोग कहते हैं कि भगवान लिख, अरे भगवान क्या लिखेगा यार, तुझे ही तो भगवान बनाकर भेजा है अपनी जिंदगी का, तू ही है अपनी जिंदगी का भगवान। तो तू ना लिखेगा अपने हाथ से, तो तू तो अपने हाथ से कुछ और ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा तेरी जिंदगी में, कुछ नहीं होगा। तू अपनी जिंदगी का भगवान खुद ही है मेरे भाई, तू अपने हाथ से लिखेगा अपना किस्मत। अभी तू ज्योतिषी के पास जाएगा, अपना हाथ दिखाएगा, कहेगा कहाँ देख रहा है तेरा हाथ का रेखा सब मस्त है, कुछ मिटा उटा नहीं है, जान गया तू कि बेला बैठा रहता है देर रात, कहाँ से मिटेगा। तो कहेगा कि तेरे जिंदगी में तो दिक्कत ही दिक्कत है, लेकिन तू कड़ी मेहनत करने लग, हाथों की रेखाएं बदल जाएगी, जाएगा दिखाने, कहेगा कह रहे तुम्हारा तो भाग्य बदलने वाला है, महीने दिन में बहुत कुछ भला होने वाला है तेरा, ऐसे बोल देगा। अपने हाथ से लिखना पड़ता है अपना किस्मत मेरे भाई, भगवान नहीं लिखते। भगवान तुझे पैदा कर दिए, इस दुनिया में भेज दिए, इतना ही काफ़ी है, तेरे ब्रेन में ही सब कुछ फिट करके भेजे। तू चाहे तो भगवान बन जाएगा और चाहे तो जैसा है वैसा ही पूरी जिंदगी बिता देगा तू। इसलिए मेरी मान या खुद की मान, और जो चाहता है उसका एक कदम ही थोड़ा सही सही पर उस पर एक्ट कर। जो भी डर है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी तेरे सामने खड़ा है, उस परेशानी से आगे बढ़े, थोड़ा सही सही उससे जूझ के देख। जो तकलीफें तुम्हें दिख रही है उसे करके देख तू, वो आसान हो जाएगा तेरे लिए। आज तक तू एक बात सुनते आया होगा, पूरी जिंदगी ही लोग सुनते रहते हैं, मान लो गाय दूध देती है, हाँ तो हाँ कहेंगे, हाँ गाय दूध देती है, अरे देगी कहाँ से, खुद से देगी, निकालना पड़ता है अपने हाथों से। जो चीज़ें तुम्हारे ब्रेन में बैठी हैं उन चीज़ों को तोड़। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है, क्या खोएगा तू, क्या है तेरे पास, करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ करना पड़ता है, वो तू कर, जो तू करना चाहता है वो पूरा हो जाएगा अगर तू कुछ करेगा।
तो ठीक है, अपने काम पे लग जा मेरे भाई, सुनते सुनते क्या ही कर लेगा तू। चल मैं भी चला और तू भी जा।